हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और अपने इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी ऑफ प्लास्टिक एंड रबर मटेरियल से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, बैकेलाइट इज अ ऑब्लिक एन, यानी बैकेलाइट है। फर्स्ट इज एडिशन पॉलीमर। बैकेलाइट क्या हमारा? फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। और फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड हमारा क्या होता है? एक थर्मोसेट मटेरियल है और कंडेंसेशन से हमारा फॉर्म होता है। तो एडिशन पॉलीमर क्या हो जाएगा? रॉन्ग। इलास्टोमर ये, जबकि क्या हमारा बैकेलाइट? एक थर्मोसेट मटेरियल है, तो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक भी नहीं होता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच इज एन एडिशन पॉलीमर। तो निम्न में से एडिशन पॉलीमर कौन सा है? तो नायलॉन में क्या होता है हमारा? कंडेंसेशन होता है, ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। बैकेलाइट, इसमें भी हमारा क्या होता है? कंडेंसेशन यूज होता है। पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन, ये क्या है? इसमें हमारा एडिशन पॉलीमर से के द्वारा बनता है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। डेंसिटी ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन इज अबाउट ग्राम पर सीसी, यानी कि एचडीपीई की डेंसिटी जो है वो कितनी होती है? एचडीपीई की डेंसिटी हमारी क्या होती है? 0.95। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 0.95 क्या होती है एचडीपीई की डेंसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ नॉन स्टिक कोटिंग ऑन फ्राइंग पैन्स। तो कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो नॉन स्टिक फ्राई पैन की मेकिंग में यूज होता है? बैकेलाइट नहीं यूज होता आपका, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन यानी कि हमारा पीटीएफई। पीटीएफई क्या हमारा? एक इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 350 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस होता है। तो टेफ्लॉन की जो कोटिंग है वो फ्राई पैंस पर की जाती है, जिसकी वजह से वो इन्हें नॉन स्टिक बनाता है। ऑप्शन टू टेफ्लॉन इज राइट आंसर। टेम्परेचर मेंटेन्ड इन द इमल्सन पॉलीमराइजेशन रिएक्टर फॉर पीवीसी मैन्युफैक्चर इज अबाउट, यानी कि इमल्सन पॉलीमराइजेशन रिएक्टर में जब पीवीसी की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो टेम्परेचर कितना मेंटेन किया जाता है? पीवीसी क्या है हमारा? हीट सेंसिटिव मटेरियल है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं? 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज करते हैं इमल्सन पॉलीमराइजेशन रिएक्टर में। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स हैज द टेंडेंसी ऑफ डिकम्पोजिंग बिफोर मेल्टिंग। तो निम्न में से ऐसा कौन सा पॉलीमर है जो मेल्टिंग से पहले डिकम्पोज होने की टेंडेंसी को रखता है या फॉलो करता है? पॉलीस्टायरीन ये नहीं है हमारा, नायलॉन ये भी नहीं है, पीवीसी ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि पीवीसी मैंने अभी बताया कि हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है और ये अकेला ऐसा मटेरियल है जो ज़्यादा हीट पर क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है, और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है उससे पहले ही ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इसमें पीवीसी मटेरियल जो है वो हमेशा इसमें एडिटिव्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो प्रेशर जिगलर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीएथिलीन यूजेस अ कैटलिस्ट विच इज। तो जिगलर नाटा जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने लो प्रेशर पर क्या बनाई थी? हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। तो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन मैन्युफैक्चरिंग में हमारा कौन कौन से उन्होंने कैटलिस्ट यूज किए थे? फर्स्ट है निकिल, दैट इज रॉन्ग। V2O5 ये हमारा किस में यूज होता है? पीवीसी में। Fe दैट इज रॉन्ग। लास्ट ऑप्शन इज एल्युमिनियम ट्राई एथिल कंबाइंड विद टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, दैट इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पाइप्स आर मेड ऑफ। फ्लेक्सिबल पाइप जो है वो हमारे एक्सट्रूडर से बनाए जाते हैं, एक्सट्रूजन प्रोसेस से, और एचडीपी जो है वो हमारा टफ होता है एलडीपी से। एचडीपी के पाइप नहीं है हमारे मैन्युफैक्चर होंगे, एलडीपी। एलडीपी में क्या होता है, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, और इसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और इस वजह से एलडीपी के जो हैं वो फ्लेक्सिबल पाइप बनाए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नायलॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ कैप्रोलैक्टम एट 242-280 डिग्री सेंटीग्रेड इन विच द कन्वर्जन ऑफ कैप्रोलैक्टम इज अबाउट। तो नायलॉन को प्रोड्यूस जब किया जाता है कैप्रोलैक्टम से, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराते हैं, और 240 से 280 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा क्या होता है, टेम्परेचर होता है, तब कैप्रोलैक्टम का कन्वर्जन कितना होता है, तो कन्वर्जन ऑफ कैप्रोलैक्टम इज 90%। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेक्रॉन इज अ एन। तो डेक्रॉन क्या है हमारा, पेट पॉलीएथिलीन टेरापेथलेट, पैट। पैट को क्या कहते हैं, डेक्रॉन। और पैट में क्या होता है, ये एक ईस्टर ग्रुप को फॉलो करता है, ईस्टर ग्रुप या ईस्टर बेस्ड ग्रुप होता है, या इसकी मेन चेन में जो है हमारा ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, पॉली ईस्टर। तो डेक्रॉन क्या हो जाएगा हमारा, एक पॉली ईस्टर होता है।